गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जानें देश और दुनिया की जानी मानी और अपने शहर गाजियाबाद की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू केशरी से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर मंजू केशरी ऑन फंगल फ्री इंडिया 3.0 टॉक शो पर। डॉक्टर, ऐसे कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगल इन्फेक्शन का इलाज करते हैं? एंटीबायोटिक्स यूजुअली डॉक्टर की सलाह पे ही लेने चाहिए एंड क्योंकि आजकल फंगल इन्फेक्शन के बहुत एग्रेसिव फॉर्म होते हैं और जो आजकल हमें एंटी फंगल का कोर्स है वो काफी प्रोलॉन्ग देना पड़ता है। तो इट्स नॉट राइट कि पेशेंट अपने आप कोई भी एंटीबायोटिक ले। आप कुछ चीजें कर सकता है जैसे सल्फर ऑइंटमेंट लगा सकता है, अगर बहुत ज्यादा एचिंग हो तो एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर की कंसल्ट करें। डॉक्टर, क्या गर्भावस्था में ओरल एंटी फंगल दवाइयाँ ली जा सकती हैं? प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स ओरल अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जो जब कभी भी ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो सारे पूरे सिस्टम हमारे सारे ऑर्गन्स पे काम करती हैं। तो अगर बहुत जरूरी हो तो ही हम ये कोर्स ऐड करते हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में टॉपिकल मेडिकेशन पे ही मैनेज करना पड़ेगा। डॉक्टर, क्या लंबे समय तक एंटी फंगल लेना सुरक्षित है? एक फिक्स कोर्स होता है, उतना कोर्स तो हम देते ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम बीच में कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसको करवा के पूरे सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। कुछ चेकअप होते हैं पीरियोडिक बीच में करवाने पड़ते हैं। अपने आप प्रोलॉन्ग कोर्स नहीं लेने चाहिए डॉक्टर को दिखा कर, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ही जरूरी होते हैं और साथ में कई बार लोग अदर एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं या कुछ और दवाएं भी ले रहे होते हैं जिसके साथ कुछ दवाओं का इंटरैक्शन होता है, तो उनको भी हम मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताएं। देखिए, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर में जाकर बीमारियां पैदा करता है। ये ना सिर्फ स्किन तक रहता है बल्कि जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनके बोन्स, लंग्स और अन्य जो और ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी जाकर हमें ये बीमारी। तो अगर टाइट कपड़े होंगे तो फिर ये पसीना इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ फिर फंगस ग्रो करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आपका क्लीनिंग तो हो ही, साथ में आपकी क्लोथिंग भी सपोर्टिव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर। तो डॉक्टर, मानसून के दौरान फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन का मेन कारण है मॉइस्चर और गीलापन। तो मॉनसून में ये दो चीजें प्रोमिनेंट होती हैं, तो हमें इससे बचाव के लिए हमें डेली बाथ लेना चाहिए और बिल्कुल जो शरीर है उसको बिल्कुल ड्राई कर देना चाहिए। जो कपड़े पहनने चाहिए वो एकदम स्वच्छ और ड्राई हमें लेने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कॉटन और जो हमारी क्लोथिंग है वो थोड़ा सा लूज ही रहे। टाइट कपड़े अवॉइड करने चाहिए और खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हाई कैलोरी डाइट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से। डॉक्टर, क्या गर्भावस्था में ओरल एंटी फंगल दवाइयाँ ली जा सकती हैं? प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स ओरल अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जो जब कभी भी ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो सारे पूरे सिस्टम हमारे सारे ऑर्गन्स पे काम करती हैं। तो अगर बहुत जरूरी हो तो ही हम ये कोर्स ऐड करते हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में टॉपिकल मेडिकेशन पे ही मैनेज करना पड़ेगा। डॉक्टर, क्या लंबे समय तक एंटी फंगल लेना सुरक्षित है? एक फिक्स कोर्स होता है, उतना कोर्स तो हम देते ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम बीच में कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसको करवा के पूरे सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। कुछ चेकअप होते हैं पीरियोडिक बीच में करवाने पड़ते हैं। अपने आप प्रोलॉन्ग कोर्स नहीं लेने चाहिए डॉक्टर को दिखा कर, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ही जरूरी होते हैं और साथ में कई बार लोग अदर एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं या कुछ और दवाएं भी ले रहे होते हैं जिसके साथ कुछ दवाओं का इंटरैक्शन होता है, तो उनको भी हम मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताएं। देखिए, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर में जाकर बीमारियां पैदा करता है। ये ना सिर्फ स्किन तक रहता है बल्कि जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनके बोन्स, लंग्स और अन्य जो और ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी जाकर हमें ये बीमारी। तो अगर टाइट कपड़े होंगे तो फिर ये पसीना इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ फिर फंगस ग्रो करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आपका क्लीनिंग तो हो ही, साथ में आपकी क्लोथिंग भी सपोर्टिव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर। फंगल फ्री इंडिया 3.0 इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।